नमस्कार, वीकेबी के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए मुंबईकरों को अगले हफ्ते खुशखबर मिल सकती है। बीएमसी प्रतिबंधों में छूट देने का मन बना रही है, तो दूसरी तरफ मुंबई में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। अंधेरी इलाके में 89 साल के एक बुजुर्ग ने अपनी पत्नी और मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटी की कथित तौर पर हत्या कर दी। वहीं ठाणे शहर में लगे एक बैनर ने सबका ध्यान खींच लिया है। इस बैनर में राज्य के नगर विकास मंत्री और ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के नाम के नीचे भावी मुख्यमंत्री का उल्लेख किया गया है। इसी बीच दादर स्थित शिवाजी पार्क में स्वर्गीय भारत रत्न लता मंगेशकर के स्मृति स्थल को लेकर सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप देशपांडे ने इस मांग का विरोध किया है। उधर 15 दिनों के भीतर मुंबई की हवा की गुणवत्ता दूसरी बार बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। वैज्ञानिकों ने इसे गंभीरता से लिया है और इसकी वजह ढूंढने में जुट गई है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। मुंबईकरों को अगले हफ्ते खुशखबर मिल सकती है। लगातार कम हो रही कोरोना मरीजों की संख्या और बेहतर होते रिकवरी रेट को देखते हुए बीएमसी प्रतिबंधों में छूट देने का मन बना रही है। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा कि हम इस सप्ताह कोरोना की स्थिति पर नजर रखेंगे। मुंबई के साथ वसई विरार, मीरा भाईंदर, ठाणे, नवी मुंबई और कल्याण में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हम पुणे और रायगढ़ जैसे जिलों में भी नजर बनाए हुए है। यदि सभी जगह कोरोना की स्थिति नियंत्रण में रही तो हम टास्क फोर्स से बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि जो थोड़े प्रतिबंध बचे हैं उन्हें अगले सप्ताह तक हटाने की अनुमति मिल सकती है। काकानी ने कहा कि हम अपना पक्ष टास्क फोर्स के सामने रख देंगे, उस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार करेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से मरीजों की संख्या में कमी आ रही है उसको देखते हुए फरवरी में मुंबई अनलॉक हो सकती है। इसके बाद भी मुंबईकरों को कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। बता दें कि सोमवार को मुंबई में कोरोना के सिर्फ 356 केस सामने आए। पिछले कई दिनों में मरीजों की संख्या 500 से कम हो रही है। दिसंबर 2021 की शुरुआती दिनों में प्रतिदिन 200 से 250 मरीज मिल रहे थे, लेकिन 21 दिसंबर के बाद मुंबई में कोरोना के एक दिन में 21,000 से 20,000 तक केस आने लगे। इसके बाद बीएमसी ने मुंबई में कई प्रतिबंध लगा दिए थे। माया नगरी मुंबई में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। अंधेरी इलाके में 89 साल के एक बुजुर्ग ने अपनी पत्नी और मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटी की कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार दोनों की बीमारी से परेशान बुजुर्ग ने सोते समय उनकी हत्या कर दी है। यही नहीं, वारदात के बाद उसने कमरे के अंदर ही लाश के साथ पूरी रात बिताई। मेघवाड़ी थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पुरुषोत्तम सिंह गंधोक ने अपनी 81 वर्षीय पत्नी कमलजीत सिंह और 55 वर्षीय पुत्री की शेरे पंजाब कॉलोनी स्थित मकान में रविवार रात हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने फ्लैट को अंदर से बंद करके पूरी रात लाश के साथ बिताई और अगले सुबह अपनी बड़ी बेटी को फोन करके उसे घटना के बारे में जानकारी दी। हालांकि बेटी के घर पहुंचने पर गंधोक ने कमरा खोलने से इनकार कर दिया और बेटी से पहले पुलिस को फोन करने के लिए कहा, लेकिन बेटी ने उसे दरवाजा खोलने के लिए मना लिया। कमरे में गंधोक की पत्नी और उनकी अविवाहित और मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटी की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। आरोपी ने कहा कि दोनों कई वर्षों से कई तरह की बीमारियों से जूझ रही थी और वह उनके कष्ट को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उनकी हत्या कर दी। बुजुर्ग को हत्या के मामले में गिरफ्तार करके आगे की जाँच की जा रही है। राज्य के नगर विकास मंत्री और ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के जन्मदिन को लेकर ठाणे शहर में लगे एक बैनर ने सबका ध्यान खींच लिया है और ये चर्चा का विषय बना है। इस बैनर में उनके नाम के नीचे भावी मुख्यमंत्री का उल्लेख किया गया है। शिंदे का जन्मदिन 9 फरवरी को है। उनके सांसद बेटे का जन्मदिन 4 फरवरी को था। शहर में वागला एस्टेट लॉरी ऑनर्स एसोसिएशन की तरफ से पिता पुत्र के जन्मदिन को लेकर बैनर लगाया गया। लॉरी एसोसिएशन के विजय यादव का कहना है कि बतौर शिवसैनिक उनकी इच्छा है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और अपनी इसी भावना को व्यक्त करने के लिए उनके नाम के आगे भावी मुख्यमंत्री लिखा गया है। गौरतलब है कि इसी साल महाराष्ट्र के शीतकालीन अधिवेशन के दौरान जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सदन में नहीं आए थे, तब भी एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव विपक्षी दल ने दिया था। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने तब कहा था कि मुख्यमंत्री बीमार है और उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ होना चाहिए, हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। दानवे ने तब कहा था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में साल 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद जब सरकार बनाने की गतिविधियां शुरू थी, तब भी शिवसेना नेताओं की तरफ से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात सामने आई थी।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप देशपांडे ने दादर स्थित शिवाजी पार्क में स्वर्गीय भारत रत्न लता मंगेशकर के स्मृति स्थल को बनाने की मांग का विरोध किया है। एमएनएस ने कहा है कि शिवाजी पार्क एक खेल का मैदान है जिसे सिर्फ खेलकूद जैसी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यहां स्मारक बनाकर जमीन का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अपनी सियासत के लिए इस मैदान की बलि नहीं देनी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी नेता और विधायक राम कदम ने लता दीदी के स्मृति स्थल को बनाए जाने के लिए अब महाविकास आघाड़ी के संयोजक शरद पवार को भी पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि लता दीदी को चाहने वाले करोड़ों लोग हैं जिनकी ये इच्छा है कि शिवाजी पार्क में उनका एक स्मृति स्थल बनाया जाए। उन्होंने अपने पत्र में पवार से मांग की है कि वे इस बारे में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से बात कर उन्हें निर्देश दे ताकि स्मृति स्थल बनाने का काम आरंभ हो सके। बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी एक पत्र लिखकर ये मांग की है कि दिवंगत भारत रत्न लता दीदी का अंतिम संस्कार जिस जगह पर हुआ है उस स्थान पर विश्व को प्रेरणा देने वाली स्मृति स्थली बनाई जाए। ये मांग सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि करोड़ों प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों की भी है। अब इसे लेकर सियासत तेज होती दिख रही है। आर्थिक राजधानी मुंबई ने देश की राजधानी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता को भी पछाड़ दिया है। वैज्ञानिकों ने इसे गंभीरता से लिया है और इसकी वजह ढूंढने में जुट गए हैं, क्योंकि 15 दिनों के भीतर मुंबई की हवा की गुणवत्ता दूसरी बार बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इस बार भी हवा प्रदूषित होने की वजह धूल भरी आंधी बताई जा रही है जो बॉर्डर क्षेत्र से अहमदाबाद होते हुए मुंबई पहुंच गई है। इससे पहले 25 जनवरी को हवा की गुणवत्ता 500 AQI के साथ गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई थी। उस समय धूल भरी आंधी का असर हवा की गुणवत्ता पर करीब सप्ताह भर तक देखा गया था। अब बीते 3 दिनों से हवा की गुणवत्ता फिर बिगड़ गई। वायु की गुणवत्ता पर नजर रखने वाली सफर संस्था के प्रमुख वैज्ञानिक गुफरान बेग ने स्पष्ट किया है कि गंभीर प्रदूषण का प्रभाव कुछ दिनों तक बना रहेगा। वातावरण फाउंडेशन के संस्थापक भगवान केसभट्ट ने भी बताया है कि अब हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बच नहीं सकते हैं। उधर पुणे के 69% निवासियों ने एक सर्वेक्षण में खुलासा किया है कि शहर में PM2.5 का प्रदूषण कम करने के लिए सार्वजनिक और गैर मोटर चलित परिवहनों में वे सुधार चाहते हैं। यदि पुणे महानगर पालिका मौजूदा सुविधाओं और मूलभूत व्यवस्थाओं में सुधार करे तो शहर की हवा साफ बनाए रखने के लिए पुणेकर पैदल चलने, साइकिल चलाने और सार्वजनिक बसों में यात्रा करने को तैयार है। कई आईटी कंपनियों का मानना है कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा में फुल टाइम डे जॉब वाले अनेक टेक प्रोफेशनल्स साइड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इससे राजस्व और उत्पादकता का नुकसान हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा के लिए परेशानी का सबब इस बार युवा मुस्लिम वोटर्स भी है जो ओवैसी में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की उम्मीद देखने लगे हैं। इसी बीच दुखद खबर यह है कि बीआर चोपड़ा के चर्चित सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया है। वे 74 साल के थे। वहीं त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एक दिन पहले पार्टी व विधानसभा से इस्तीफा देने वाले भाजपा नेता सुदीप रॉय बर्मन अपने करीबी सहयोगी आशीष साह के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। रिमोट वर्क के मौजूदा दौर में आईटी कंपनियां एक अलग ही तरह की चुनौती से जूझ रही है। यह चुनौती है कर्मचारी द्वारा एक ही वक्त पर एक से ज्यादा कंपनियों में काम करने की। कहा जा रहा है फुल टाइम डे जॉब वाले कई टेक प्रोफेशनल साइड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। कंपनियों को चिंता है कि इससे राजस्व और उत्पादकता का नुकसान हो रहा है। जानकार मानते हैं कि भारत में सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं है। नियोक्ताओं के लिए यह पता लगाना मुश्किल है कि कोई कर्मचारी किसी और कंपनी में भी उसी वक्त पर काम कर रहा है या नहीं। रोजगार की अवधि के दौरान कर्मचारी की अन्य स्रोतों से कोई वेतन या आय है या नहीं, यह पता लगाने के लिए नियोक्ताओं को कर्मचारी के टैक्स फाइलिंग या भविष्य निधि खाते की जांच करने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन बात प्राइवेसी से जुड़ी है। कई सक्रिय पीएफ खाते मिलने के बाद इसे एक फर्म के एचआर मैनेजर द्वारा पकड़ा गया, लेकिन ऐसे मामलों को पकड़ना मुश्किल है। भारतीय अदालतों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मूनलाइटिंग कर्मचारी की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। भारत में दोहरे रोजगार पर प्रतिबंध कारखानों के लिए बने श्रम कानूनों और कुछ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग आदेशों में शामिल है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अर्थात AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।
ओवैसी को एक भी सीट मिलने पर लोग संदेह जता रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के उम्मीदवार सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिश कर रही समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान कर सकते हैं। सपा के लिए परेशानी का सबब युवा मुसलमान वोटर्स है, जो ओवैसी में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की उम्मीद देखने लगे हैं। कुछ युवक तो रैली में सिर्फ ओवैसी को देखने आने लगे हैं। इसका मतलब है कि उनके प्रति रुझान बढ़ रहा है और ज्यादातर मुस्लिम सपा के पक्ष में लामबंद हो रहे हैं। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को वोट देता है और इस बार की लड़ाई प्रदेश में मुख्य रूप से सपा और बीजेपी के बीच ही मानी जा रही है। लिहाजा ओवैसी की एंट्री से मामला थोड़ा पेचीदा होने के आसार है। ओवैसी की पार्टी ने बिहार चुनाव में 5 सीटें हासिल कर ली थी। ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने कैंडिडेट उतारकर ओवैसी ने जता भी दिया है कि वह मुसलमानों के वोट पर निशाना बनाकर यूपी के मैदान में उतरे हैं। गोलीकांड के बाद से खासकर मुस्लिम युवाओं की मानसिकता में परिवर्तन नजर आने लगा है और यह परिवर्तन सपा के लिए सावधान करने वाला है। बीआर चोपड़ा के चर्चित सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोपती का निधन हो गया। प्रवीण कुमार 74 साल के थे। प्रवीण अपने विशाल कदकाठी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाई। 6.5 फीट लंबे अभिनेता और खिलाड़ी पंजाब के रहने वाले थे। एक्टिंग में आने से पहले प्रवीण एक हैमर और डिस्कस थ्रो एथलीट थे। वह एशियाई खेलों में 4 मेडल जीत चुके थे। उन्होंने 2 ओलंपिक खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वह अर्जुन अवार्ड भी रहे हैं। खेल के कारण ही प्रवीण कुमार को सीमा सुरक्षा बल में डिप्टी कमांडेंट की नौकरी मिली। ट्रैक और फील्ड स्पोर्ट्स में सफल करियर के बाद प्रवीण ने 70 के दशक के अंत में मनोरंजन की दुनिया में कदम रखा। काफी समय से वे घर में ही थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। प्रवीण कुमार ने एक साक्षात्कार में कहा था कि पंजाब की जितनी भी सरकारें आई सभी से उनकी शिकायत है। जितने भी एशियन गेम्स से मेडल जीतने वाले प्लेयर थे उन सभी को पेंशन दी, लेकिन उन्हें वंचित रखा गया। जबकि सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते वो अकेले एथलीट थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ को रिप्रेजेंट किया। फिर भी पेंशन के मामले में उनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ। हालांकि बीएसएफ से मिल रही पेंशन उनके परिवार के लिए आधार बनी रही। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एक दिन पहले पार्टी व विधानसभा से इस्तीफा देने वाले भाजपा नेता सुदीप रॉय बर्मन अपने करीबी सहयोगी आशीष शाह के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्हें दिल्ली स्थित राहुल गांधी के आवास पर कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। दरअसल सुदीप रॉय बर्मन व आशीष शाह ने सोमवार को त्रिपुरा विधानसभा व भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। दोनों इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। इसके पहले 29 जनवरी को भाजपा के बागी विधायक सुदीप रॉय बर्मन ने त्रिपुरा सरकार पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि राज्य में लोकतंत्र नहीं है और यहाँ लोगों का दम घुट रहा है। साथ ही उन्होंने पार्टी छोड़ने के सवाल पर कहा था कि वह अपने लोगों से पूछने के बाद ही अपने भविष्य पर फैसला करेंगे। त्रिपुरा में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सुदीप रॉय त्रिपुरा सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि राज्य में लोकतंत्र का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि लोकतांत्रिक ऑक्सीजन खत्म हो गई है। सुदीप ने राज्य में लोगों की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि लोग अब सरकार से तंग आ चुके हैं क्योंकि सरकार उनके हितों की पूर्ति नहीं कर पा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बात की अटकलें तब लगने लगी जब कई टीएमसी नेता नगरपालिका चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर प्रशांत किशोर से नाराजगी जताने लगे। इन नेताओं को प्रशांत किशोर की दखलअंदाजी पसंद नहीं आ रही है। वहीं प्रशांत किशोर भी टीएमसी नेताओं के व्यवहार से खुश नजर नहीं आ रहे हैं और अलग रास्ता अख्तियार करने का मन बना लिया है। सूत्रों के अनुसार प्रशांत ने ममता बनर्जी को यहाँ तक कह दिया है कि वे अब काम नहीं करना चाहते हैं। वहीं ममता ने भी 2 टूक जवाब देते हुए थैंक यू बोल दिया है। विवाद शुक्रवार शाम को उस समय शुरू हुआ जब तृणमूल कांग्रेस महासचिव पार्थ चैटर्जी और पार्टी अध्यक्ष सुब्रत बख्शी ने पार्टी के उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी की जिस पर उनके हस्ताक्षर थे। पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर उम्मीदवारों की एक अलग हस्ताक्षरित सूची दिखाई दी। दोनों सूचियों के बाहर होने के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए क्योंकि कई असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को टायर जलाने और नारे लगाने के लिए सड़कों पर उतरते देखा गया। इसके बाद से टीएमसी और प्रशांत किशोर के संगठन आईपीएसी के बीच संबंधों में तनाव की अटकलें और भी तेज हो गई है।
करीब 50,000 ट्रक चालकों का प्रदर्शन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए गले की फांस बन गया है और उनकी कुर्सी पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। तो अपने कैसिनो के लिए मशहूर अमेरिका के लॉस वेगास शहर में एक एयरलाइन कंपनी कपल को हवा में प्यार करने और सेक्स करने की सुविधा दे रही है। इन दिनों इसकी चर्चा खास है। वहीं एनआईए ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील सहित उसके गैंग के 6 लोगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम अर्थात यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा पद पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनकी रैलियों में भी भारी भीड़ जुट रही है और उन्हें अच्छा खासा धन भी जुटाया है। उधर ऑस्ट्रेलिया हर साल हजारों युवाओं को अपने यहाँ आकर घूमने, अस्थायी रूप से रहने और काम करने के लिए विशेष वीजा देता है, लेकिन ये वीजा भारतीयों को नहीं दिया जाता। वहां की सरकार ने इस वीजा पर छूट का ऐलान किया है, लेकिन इससे भारतीयों को कोई फायदा नहीं होगा। तो दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कनाडा में जारी ट्रक चालकों का प्रदर्शन बेकाबू हो गया है और राजधानी ओटावा पिछले कई दिनों से बुरी तरह से प्रदर्शनकारियों से अटी पड़ी है। करीब 50,000 ट्रक चालकों का प्रदर्शन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए गले की फांस बन गया है और उनकी कुर्सी पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कनाडा के सिख नेता जगमीत सिंह ने यहां तक कह दिया है कि ट्रक चालक ट्रूडो सरकार को ही उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ट्रक चालकों के प्रदर्शन से घबराए ट्रूडो ने ट्वीट करके कहा है कि प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर संघीय पुलिस को तैनात किया गया है। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा के लोगों को प्रदर्शन और सरकार से असहमत होने तथा अपनी बात को कहने का अधिकार है। हम इन अधिकारों की हमेशा रक्षा करेंगे, लेकिन इस बात के लिए स्पष्ट रहे कि उन्हें हमारी अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और हमारी नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन को ब्लॉक करने का अधिकार नहीं है। अब तक संघीय पुलिस RCMP के हजारों अधिकारी ओटावा पुलिस की मदद के लिए तैनात किए गए हैं। हालात को काबू में करने के लिए जो भी जरूरी होगा हम उसे करने जा रहे हैं। ट्रूडो का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब ओटावा के मेयर जिम वॉटसन ने कनाडा की संघीय पुलिस से अनुरोध किया कि प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए एक मध्यस्थ की नियुक्ति की जाए ताकि पिछले 10 दिनों से चले आ रहे इस प्रदर्शन को खत्म करने का रास्ता तलाश किया जा सके। अपने कैसीनो के लिए मशहूर अमेरिका के लॉस वेगास शहर में एक एयरलाइन कंपनी कपल को हवा में प्यार करने और सेक्स करने की सुविधा दे रही है। यही नहीं, हवा में आपके प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। करीब 45 मिनट के इस अनोखे प्लान को लेने के लिए आपको बस $995 या ₹74,274 चुकाने होंगे। यह विमान लास वेगास से उड़ता है और बहुत कम दूरी तक जाता है। विमान के अंदर जिस जगह पर कपल रहते हैं उसे पर्दे से ढक दिया गया है। यही नहीं, पायलट ऐसे हेडफोन पहनता है जिससे विमान के अंदर आ रही आवाजें उसे सुनाई नहीं देंगी। इसके अलावा पायलट के लिए नियम बना है कि वह हमेशा कॉकपिट में ही रहेगा। उसे कपल के आसपास भी फटकने की अनुमति नहीं होगी। यह अनोखा प्लान लेकर आई है अमेरिका की एयरलाइन कंपनी लव क्लाउड। कंपनी का कहना है कि हवा में सेक्स करने का मौका देकर वह लोगों की शादी बचाने का प्रयास कर रही है, वह भी तब जब समाज में तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। अगर आप $1,195 और दे देते हैं तो हवा में ही आपकी शादी भी हो जाएगी। अगर $100 और दिया जाता है तो एक रोमांटिक खाना भी दिया जाएगा। आपको इन तीनों ही सुविधाओं के लिए मात्र $1,595 चुकाने होंगे। कंपनी की इस योजना को लेकर इन दिनों चर्चा खास बनी हुई है। पाकिस्तान के कान खड़े हो गए हैं क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील सहित उसके गैंग के 6 लोगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम अर्थात UAPA के तहत मामला दर्ज किया है। NIA प्रवक्ता पाराशर के हवाले से इसकी पुष्टि की गई है। जांच एजेंसी ने गृह मंत्रालय से हाल ही में प्राप्त एक आदेश के बाद दाऊद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब NIA एकीकृत एजेंसी के तौर पर सिर्फ दाऊद की ही नहीं बल्कि उसके गुर्गे छोटा शकील, टाइगर मेनन, जावेद चिकना के साथ मृत इकबाल मिर्ची और दाऊद की बहन हसीना पारकर के नेटवर्क की भी जांच कर कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि कानूनन NIA आतंकवाद से जुड़े मामले की जांच करने वाली नोडल एजेंसी है जो विदेशों में भी कार्रवाई कर सकती है। दाऊद के विदेशी नेटवर्क होने की वजह से पुलिस व अन्य एजेंसियों को तकनीकी तौर पर प्रवर्तन निदेशालय की मदद लेनी पड़ती है। गृह मंत्रालय के आदेश पर NIA ने दाऊद के खिलाफ UAPA के तहत ताजा मामला दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी है। सरकारी डोजियर के मुताबिक दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची स्थित अपने ठिकानों पर रहता है। भारत की दशकों के चल रहे तमाम कोशिशों के बावजूद दाऊद हाथ नहीं आ रहा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा पद पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
उनकी रैलियों में भारी भीड़ जुट रही है और उन्होंने अच्छा खासा धन भी जुटाया है। हाल ही में टेक्सास में हुई एक रैली में डोनाल्ड ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन के बारे में बात की और वही राग फिर अलापा कि कैसे 2020 का चुनाव वह हारे नहीं थे बल्कि जीत उनसे चुरा ली गई। उन्होंने कहा कि 2020 के चुनाव में धांधली हुई और इसके बारे में सब जानते हैं। हालांकि इन दावों को सिरे से खारिज किया जा चुका है और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट भी चार राज्यों के चुनावी नतीजों को पलटने के मुकदमे में रद्दी की टोकरी में डाल चुका है। ट्रंप का यह अंदाज जाना पहचाना है। ट्रंप ने अपने तर्कस से कुछ नए तीर भी निकाले हैं। बता दें कि 6 जनवरी 2021 को अमेरिका में जो हुआ उसे अमेरिका के समकालीन लोकतांत्रिक इतिहास के काले दिनों में गिना जाता है। उस दिन सैकड़ों लोगों की भीड़ कैपिटल हिल बिल्डिंग में घुस गई और तोड़फोड़ मचाई। वे लोग कांग्रेस के उस सत्र को रोकना चाहते थे जिसमें जो बाइडेन की राष्ट्रपति चुनाव की जीत को औपचारिक मंजूरी दी जा रही थी। उस घटना में 5 लोगों की मौत हुई थी। तब से 700 लोगों पर आरोप तय किए जा चुके हैं। विरोधी कहते हैं कि ट्रंप की भड़काऊ बातों का सबसे बड़ा मकसद होता है लोगों का ध्यान खींचना। कई लोगों ने सामने आकर इस विचार का विरोध किया है लेकिन ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया हर साल हजारों युवाओं को अपने यहाँ आकर घूमने, अस्थायी रूप से रहने और काम करने के लिए विशेष वीजा देता है लेकिन यह वीजा भारतीयों को नहीं दिया जाता जबकि अन्य वीजा पाने वालों में भारतीय सबसे आगे है। इसे आधिकारिक तौर पर सब क्लास 417 और सब क्लास 462 वीजा कहा जाता है। यह वीजा 18 से 30 वर्ष तक के युवाओं को अस्थायी रूप से ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने और पढ़ने का अधिकार देता है। कोविड के दौरान बंद रहने के बाद यह योजना अब फिर से शुरू कर दी गई है और चूंकि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त कामगारों की भयंकर कमी से जूझ रहा है तो उसने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आकर्षित करने के मकसद से इस वीजा को मुफ्त में देने का ऐलान भी किया है। 1975 में शुरू किया गया यह वीजा स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद दुनिया को जानने निकलने चाहने वाले युवाओं को ऑस्ट्रेलिया में घूमने के साथ साथ छोटे मोटे काम करने के लिए आकर्षित करने के मकसद से शुरू किया गया था। हमेशा कामगारों की कमी से जूझने वाले देश ऑस्ट्रेलिया के लिए यह दोनों हाथों में लड्डू जैसी योजना साबित हुई। एक तो उसे वीजा फीस और पर्यटकों के रूप में धन मिला और खेतों व अन्य मौसमी उद्योगों में काम करने के लिए कर्मचारी भी मिले। इस वीजा के तहत ऑस्ट्रेलिया घूमना चाहने वालों को अधिकतम 12 महीने के लिए यह वीजा दिया जाता है। आम टूरिस्ट वीजा से यह अलग है क्योंकि इस वीजा पर आने वाले लोग काम करने और पढ़ने के अधिकार रखते हैं। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।